आपको पता लगना पड़ेगा कि उस शेयरों में घुसकर मुझे घास वाले पैसे चाहिए या म्यूचुअल फंड वाले इसमें एंट्री करते जा रहे हैं, लेकिन हम ही ऐसे लोग हैं जो इससे डरते हैं। माहौल जो बाय का बनता है सर, वो सिचुएशन को देखकर बनता है। अंबानी है, उनकी संपत्ति भी थोड़ी इसके अंदर आने वाली है। एनपीएस तो फिर नाम का रह जाएगा कि ये दोबारा 11 के नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज फिर बात करेंगे यस बैंक के लिए, क्योंकि यस बैंक ने आज फिर थोड़ा सा हमें डरता का निशान दिखा दिया है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है सर। इसके अंदर लोग माल चुपचाप निकाले जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले इसमें एंट्री करते जा रहे हैं, लेकिन हम ही ऐसे लोग हैं जो इससे डरते जा रहे हैं। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर आपने तो शेयर बेच दिए, फिर आप अच्छा बता रहे हो। सर प्रॉफिट तो मैं बार बार लूँगा ही लूँगा, मैं आज मैंने प्रॉफिट लिया है उसका तो मुझे मलाल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मलाल। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मनी को भी सेव किया है और अपना प्रॉफिट लेकर उस प्रॉफिट को कहीं और भी इन्वेस्ट किया है। तो इस तरह से मार्केट में आना है आपको, शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट ही आपको इस तरह का ज्ञान देगी ही देगी। बहुत अच्छा मौका है यस बैंक को लेने का, जिसने इस बात को समझ लिया वही इस समझ कर आगे तक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के बना दिए गए हैं ताकि आपको लग रहा है कि ये दोबारा 11 के नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने का। क्योंकि इसने शुक्रवार के दिन आपको नीचे के स्तर दिखाए थे, उसमें हमने इसमें बाय किया था, लेकिन एक दिन पहले ही इसको हमने सेल भी किया था। तो मैं आपको बता दूं, माहौल जो बाय का बनता है सर, वो सिचुएशन को देखकर बनता है। मैंने पहले आपको बता दिया था कि आइडिया में बिल्कुल भी आपको अभी बाइंग नहीं बनानी है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं इस तरह के, एक दो लोग आप तो कह रहे थे सर ये आगे भागे, आज पता लग गया ना आइडिया में सर, आपको आज आइडिया में आपको पता लग गया ना, आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला। आइडिया के अंदर 24 तारीख के बाद होगा जो भी, चलो आइडिया की 24 तारीख के बाद होगा जो भी कुछ आइडिया में होगा, एक दो बार वो तेज़ी की रुख दिखाएगा, लेकिन जो भी होगा 24 तारीख के बाद होगा। इनकी एक मीटिंग हो रही है, चलो ये तो बात थी वोडाफोन आइडिया की, मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम करते हैं यस बैंक की। देखो सर, सबसे बड़ी बात ये सुनो कि बैंक जो है बड़ी मुसीबतों से आगे निकला है, प्रॉफिट इसमें आने लग गए हैं, NPA जो इनके थोड़े बड़े कम होते जा रहे हैं, प्रोविजन भी ये कमी रख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं बहुत अच्छी अच्छी हो रही हैं। और ये चीज़ अच्छी अच्छी होने का मतलब है कि न्यूज़ भी इनकी आती है, और जब न्यूज़ अच्छी चीज़ों की आती है तो बार बार तो ये शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएंगे न्यूज़ अच्छी आने पर, एक बार तो इस प्राइस को ऊपर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ जब काम अच्छा चल रहा है बैंक में तो फिर शेयर प्राइस क्यों नीचे जा रही है। बहुत से समझदार लोग होते हैं, कहते हैं NPA ज़्यादा है, तो भाई NPA ज़्यादा है तो DHFL जो है अनिल अंबानी है, उनकी संपत्ति भी थोड़ी इसके अंदर आने वाली है, NPS तो फिर नाम का रह जाएगा इसके अंदर। इसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है सर, धीरे धीरे इस बात को समझ लो, जब जब आप इस बात को समझ लोगे तब तब इसके अंदर से आप प्रॉफिट लेना आपको आ जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, शेयर चाहे रिलायंस का हो चाहे सुजलोन एनर्जी का हो, प्रॉफिट जिसमें आ रहा हो बाहर आपको निकलना ही निकलना है, चाहे आधे शेयर बेचिए। सबसे पहली बात होती है प्रॉफिट लेने वाली, वो आपको आना चाहिए। देखो सर, ये शेयर मार्केट जो एक है ना, एक ज़मीन की तरह होता है, शेयर जो है एक खेत की तरह होता है, इसके अंदर आप कोई सी भी सब्जियां लगा सकते हो, महंगी वाली सस्ती वाली, घास भी लगा सकते हो उसके फ़ायदा, या फिर आप इसके अंदर मेहनत ना करो सोचो ना तो फिर इसको आप बंजर भी रख सकते हो, यह आपके अंदर है। अगर आपने घास भी लगाया तो वो भी आपका घास आगे जाके बिकता है, क्योंकि बहुत से गाय और जानवरों को भी घास की जरूरत है, वहाँ भी बिकेगा। सब्जियाँ लगाई वो भी बिकती है। तो ये एक मार्केट आपको मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर आपके पास अच्छे अच्छे शेयर हैं, वो आपको पता लगना पड़ेगा कि उस शेयरों में घुसकर मुझे घास वाले पैसे चाहिए या सब्जी वाले पैसे चाहिए, समझ रहे सर? क्योंकि हम अपनी मनी स्थिति को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आज 10,000 लगाए 10 साल बाद 1 करोड़ रुपये, आज हमने 1,00,000 रुपये लगाए अगले महीने 1,50,000 रुपये, ये मनोस्थिति आपकी हो रही है। इसको चेंज कीजिए, एक अच्छी सी ज़मीन बनाइए, शेयर मार्केट एक ज़मीन है, उसमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी लगाइए, नर्सरी का भी काम होता है इसके अंदर, आजकल बहुत अच्छा चल रहा है नर्सरी का काम। तो नर्सरी का मतलब ये नहीं कि आपने नर्सरी लगा ली, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको अगर आपने कोई शेयर ले लिया तो उससे प्रॉफिट लेकर आप अपने जीवन में बदलाव कैसे कर सकते हैं। लॉस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना से नहीं लेना है, गिरावट हो रही है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉफिट बुक करने वाले भी इस मार्केट में होते ही होते हैं, उनको भी आपको जानना होगा, और वो नीचे से खरीद लेते हैं, वो नीचे से खरीद ले सर, आपको अब ऑपरेटर बनना होगा, ऊपर बेचकर नीचे माल खरीदना होगा, इतनी सी बात है आपको समझना होगा। जब तक आप ये बात समझ लोगे, नहीं समझोगे तो नुकसान है, समझ लोगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये चीज़ आपको जीवन भर
मैं कह रहा हूँ आपको जीवन भर ऐसा मंत्र मिल जाएगा कि आप इसके द्वारा अपने को संतुष्ट और अपने को अच्छा कर सकते हैं। खरीदिए, ऊपर बेचिए, फिर नीचे से एंट्री कीजिए, यही चीज़ होती है। जिस भाव में हमने जिस यस बैंक को बेचा था उससे हमें नीचे मिल गया तो इसमें तो हमारा वैसे ही प्रॉफिट, और अगर हम नहीं बेचते तो बात भी तब भी वही होती लेकिन उसमें हमें लॉस होता। तो इसलिए करिए, मौके का आपको फ़ायदा उठाना आना ही आना चाहिए। एक खबर निकल के बहुत अच्छी जो आ रही है, एक खबर और निकल के आ रही है कि बैड बैंकों के लिए सरकार 30,600 करोड़ रुपये की एक स्कीम ला रही है जिससे कि बैड बैंकों में इन पैसों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और सारे के सारे बैंक सेक्टर ऊपर की तरफ भागेंगे क्योंकि उनका थोड़ा सा जो बैड लोन का जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व होने वाली है। और लोगों ने सोचा कि आज बड़ी तेजी आएगी बैंकों में। मैंने आपको पहले कहा था कि एक दिन ऑफलाइन अगर कोई न्यूज आ जाए तो वो ऑनलाइन से ज़्यादा प्रभावित करती है नीचे गिरने के लिए, यानी कि चलती मार्केट में अगर कोई न्यूज आई बैड या गुड तो वो गुड आएगी तो ऊपर जाएगा, बैड आएगी तो नीचे जाएगा। लेकिन इसका उल्टा तब हो जाता है जब वो रात को न्यूज आ जाती है पॉजिटिव और उसका जो इम्पैक्ट अगले दिन पड़ता है निगेटिव। तो इसलिए कह रहा हूँ ये न्यूज़ आई थी कि इसमें 30,600 करोड़ रुपए आने वाले हैं बैड बैंकों के लिए। देखो चक्र, अभी तो सिर्फ बच्चा स्कूल गया है, पढ़ना सीखा है, मैं आपको फिर बता चुका हूँ, ये दोबारा बता रहा हूँ, न्यूज आने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें खुश हो जाएं, एकदम मस्ती आ जाए आपको कि भाई न्यूज आ रहे हैं 30,600 करोड़ रुपए आ रहे हैं अब तो भाई बैंक सारे भागने लगे ना। ये एक मौका होता है, उस मौके को आपको पकड़ना चाहिए। अब बैंक सेक्टर थोड़ा नीचे आ रहा है, आज तो बैंक निफ्टी भी बहुत नीचे थी, 600 पॉइंट नीचे गिर रही है ना, निफ्टी 50 भी नीचे है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जब सब चीज़ नीचे होती है तो उसमें तो एक खरीदने की माहौल बनता है। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, अब बैंकों की तरफ बढ़ जाओ क्योंकि हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ने वाला है और 2022 में आपको देखना बैंक किस हालात में आपको मिलेंगे, वो भी गवर्नमेंट बैंक आपको बहुत अच्छे हालात में मिलेंगे। अब जितने भी बैंक आज गिर गए हैं, अब ये देख लेना एक दो दिन के बाद कितने अच्छे उछाल मारेंगे ये, आपको ये आप कहीं बात लिख लेना। तो यस बैंक में आप, मेरी यही राय है, जिसके पास जितने शेयर हैं लंबे ऊपर हैं बैठे रहें, होल्ड करें और थोड़ी सी झपकी और ले लें, थोड़ा सा और सो जाएं ताकि जिस तरह से आप बीच में सोए हो आपको प्रॉफिट होया तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और एक बात और, जिसके पास ज़्यादा शेयर है उसमें प्रॉफिट आ रहा होगा, उसमें से आपको प्रॉफिट लेना ही लेना बनता ही बनता है, इस बात को आप कहीं लिख लेना। और अच्छी अच्छी आदतें बनाइए, आदतें आपको बहुत दूर तक ले जाएंगी। अच्छे लोगों से मिलना शुरू कीजिए, अच्छे लोगों की बात सुनिए और टारगेट 100 से 200 वालों से दूर रहिए। और एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपको कह दिया जाता है कि कल से शेयर बढ़ेगा या घटेगा तो इसका मतलब नहीं कि वो पूरी पूरी चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ सेबी से बैठे कोई बंदे नहीं है, हम तो सिर्फ आपको एक न्यूज़ के ऊपर बताते हैं, उस न्यूज़ का इम्प्लीमेंट आपको एक हफ्ते के अंदर तो नज़र आ ही जाता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ हम लेते हैं वो एकदम तो अच्छी नहीं होती, उसे अच्छा होने में वक्त लगता है। इस तरह से भी आप मार्केट में इन्वेस्ट जरूर से ज़रूर कीजिए, वही आपको बहुत दूर तक के ले जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।